जरा याद करो कुर्बानी। अत्याचारी अंग्रेज कमिश्नर वॉल्टर चार्ल्स को मृत्युलोक में पहुंचाने वाले दामोदर हरी चापेकर महाराष्ट्र पुना के वतनी थे। दामोदर बचपन से ही व्यायाम और अस्त्र शस्त्र चलाने का शौक रखते थे। अपनी शिक्षा पूरी करके अंग्रेजों की सेना में शामिल होकर भारतीय सैनिकों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जगाना चाहते थे, किंतु दो बार प्रयत्न करने पर भी वे अंग्रेजी सेना में प्रवेश नहीं पा सके। फिर भी हिम्मत नहीं हारी, अपने आसपास रहते अट्टे कट्टे युवाओं को संगठित किया, उन युवकों की सेना तैयार की और इन युवकों को शस्त्र चलाना भी सिखाया गया। अब अंग्रेजों का विद्रोह करने के लिए दामोदर चापेकर बंधु का मन अधीर होने लगा था। लोकमान्य तिलक ने मार्गदर्शन दिया। उन दिनों पुना में प्लेग रोग से लोगों की जाने जा रही थी, दिन ब दिन मरने वालों की संख्या बढ़ रही थी, किंतु अंग्रेज सरकार ने प्लेग रोग से संक्रमितों के लिए किसी भी प्रकार की सारवार नहीं की, नहीं तो कोई सहायता की, बल्कि अत्याचार करने लगी। प्लेग जंतु के नाश के बहाने सरकार ने लोगों के घर तोड़कर जला दिए और काफी लोग बेघर भी हुए। इस अत्याचार में जिसका बड़ा हाथ था वो थे पूना के क्रूर कमिश्नर रैंड। एक तरफ लोग इस भयंकर रोग से जूझ रहे थे तो दूसरी ओर अंग्रेज सरकार की ओर से महारानी विक्टोरिया के राज्य रोहण की हीरक महोत्सव को धूमधाम से मनाने की तैयारियां हो रही थी। 22 जून 1897 के दिन ये महोत्सव मनाने का दिन था और उसी दिन दामोदर ने रेंड को मारने का निश्चय किया। उसी दिन दामोदर सेंट मेरी चर्च पर जाते हैं, रेंड वहीं पर था, किंतु भीड़ होने की वजह से दामोदर ने गोलियां नहीं चलाई। रात्रि दौरान रेंड जब गवर्नमेंट हाउस से रवाना हुए तब भी दामोदर को सफलता न मिले, क्योंकि उस वक्त 4-5 बग्घियां साथ में थी और पता ही नहीं चला कि रेंड किस बग्घी में। कार्यक्रम पूरा करके रेंड जब घर लौट रहे थे तब रेंड को नहीं बख्शा गया, क्योंकि छोटे भाई बालकृष्ण ने जैसे ही गोंडिया आला रे आला चिल्लाया और वृक्ष के पीछे छिपे दामोदर निर्जन विस्तार से निकलती हुई बग्घी पर चढ़कर पर्दा उठाकर गोलियां चला दी। रेंड वहीं पर मर गया और दूसरे ही पल छोटे भाई बालकृष्ण ने अंग्रेज अधिकारी आयरिस्ट को भी अपने दोस्त के पास भेज दिया। सफलता मिलते ही दोनों भाई वहां से भाग जाते हैं, किंतु देशद्रोही द्रविड़ बंधुओं ने उनकी बातमी की वजह से दोनों पकड़े गए, मुकदमा चला और 18 अप्रैल 1898 के दिन उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। तो भारत के ऐसे नौजवान वीरों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भारत माता की जय।